हैं अगली खबर की ओर। सुजानपुर में कूड़े की लिफ्टिंग बंद होने के चलते बीमारियां फैलने का भय बन गया है, तो वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए पार्षद द्वारकादास, पार्षद सरोजवाला, पार्षद ऋतुवाला, पार्षद लक्ष्मी वर्मा ने बताया कि लंबे समय से सुजानपुर से कूड़े की लिफ्टिंग डेरीवाल में हो रही है, लेकिन गत दिवस पठानकोट नगर निगम के कमिश्नर द्वारा कूड़े की लिफ्टिंग पर रोक लगा दी गई है, जिसके चलते सुजानपुर में कूड़ा एकत्रित हो गया है। तो वहीं उन्होंने कहा कि इस कूड़े के एकत्रित होने के चलते सुजानपुर में कई प्रकार की बीमारियां फैलने का भय है। उन्होंने कहा कि अगर कमिश्नर साहब ने कूड़ा बंद करना था तो उन्हें पहले सुजानपुर को कोई जगह कूड़ा फेंकने के लिए देनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि नगर काउंसिल सुजानपुर की तरफ से अगर नगर निगम को कूड़ा लिफ्टिंग के लिए फीस भी दी जा रही है, उसके बावजूद भी कमिश्नर द्वारा कूड़े की लिफ्टिंग पर रोक लगा दी गई है, जिसके चलते सुजानपुर नगर काउंसिल भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने नगर निगम पठानकोट के कमिश्नर से अपील की है कि कूड़े की लिफ्टिंग शुरू करवाई जाए, नहीं तो उन्हें कूड़ा फेंकने हेतु जगह दी जाए। इस संबंध में जब एडीसी कम कमिश्नर अंकुरजीत सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हर नगर काउंसिल तथा नगर निगम को खुद ही इस प्रकार की व्यवस्था करनी होगी। अगर नगर काउंसिल सुजानपुर को जगह नहीं मिलती है तो उन्हें गांव बेहड़ी बुजुर्ग की पंचायत में जगह दी जाएगी। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। पहले तो मैं न्यूज चैनल का बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं वार्ड नंबर 1 न्यू गुरान तो साढ़े वार्ड के लिफ्टिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। थां थां पर कूड़ा पे रहा है, जिसनों एडीसी साहब ने कुछ दिनों तो बंद कर दिता है। ठीक है, पहले ये कूड़ा डेरी वाल जाता है, तो हूँ उन्होंने कहता भी इतने नहीं सुटना। मेरी यही बेनती है कि कृपा करके सानू कि जगह प्रोवाइड की जाए और रिटर्न के सू जगह दी जाए जिथे अं कूड़ा वो सुट सकी।